नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की क्लास का एजेंडा है, डज द कोरोना वायरस स्ट्राइक ट्वाइस। कैसा है कि कोरोना वायरस ने दूसरी बार अटैक कर दिया क्या? तो आप बोलेंगे, सर पहली बार के अटैक से पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन बाहर नहीं निकल पाया, ये दूसरी बार के अटैक का क्या चक्कर है? आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ये 31 मार्च, और अब तक WHO ने इसे ऑलरेडी पेंडेमिक घोषित कर रखा है। देखिए, कोरोना वायरस जब अटैक करता है तो होता ये है कि अब जो बॉडी है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी, बॉडी एक सिंपल सी भाषा बोलूँ तो एक शील्ड बना लेती है। तो बॉडी जो है एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बना लेती है। तो अगली बार जब ये कोरोना वायरस अटैक करता है तो ये एंटीबॉडी के चलते उसका अटैक जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। ये वो फंडामेंटल अजम्पशन है जिस पे वैक्सीन जो है वो काम करती है। लेकिन कोरोना वायरस के साथ कुछ भी फंडामेंटल तो है नहीं, हर चीज़ नया देखने को मिल रहा है। आपको ध्यान होगा तो सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी चाइना से, और चाइना के भी हुबई प्रोविंस से, उसके भी वुहान शहर से। अभी लेटली ये देखने को मिला कि वुहान शहर में जितने भी टोटल नंबर जो जो केसेस थे, सबसे ज़्यादा तो वुहान से ही थे। यहाँ पे ये देखने को मिला, इसमें से काफ़ी सारे लोग जो पॉजिटिव थे और जिनको मेडिकल केयर दिया गया बाद में नेगेटिव हुए, इनमें से कुछ लोगों को अभी टेस्ट किया गया तो कुछ लोग फिर से पॉजिटिव पाए गए। ये तो बहुत डेंजरस है, और इसका दो ही मतलब निकल के आता है। और वो पहला मतलब ये है कि या तो जितने भी टेस्ट हुए थे वो फॉल्टी थे, उसमें से काफ़ी सारे फॉल्टी थे, या तो फिर एक डेंजरस मीनिंग ये है कि यह वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है। डज द कोरोना वायरस स्ट्राइक ट्वाइस, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मैं वुहान बात कर रहा हूँ क्योंकि वुहान में कई सारे लोग जो पॉजिटिव थे बाद में मेडिकेयर फैसिलिटीज़ में नेगेटिव हुए, और कुछ लोगों को अभी देखा गया कि वो दोबारा पॉजिटिव हो गए हैं। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप जहाँ पर भी वीडियो को देख रहे होंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिटर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट कल उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, और ये आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत पता चल जाए। वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में जाइएगा और इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और उससे आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आज जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है 31 मार्च 2020। आई एम रियली सॉरी टू से, आज के टाइम पे दुनिया में 800,000 से ज़्यादा केसेस हैं, और वेरी सॉरी टू से वंस अगेन 38,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। दिस इज ह्यूज मैमथ नंबर है, 800,000 से ज़्यादा केसेस, 38,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुके हैं। बस एक ही पॉजिटिव साइन यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 2.25 लाख केसेस जो है रिकवर कर चुके हैं। अभी आप टोटल एक्टिव केसेस देखेंगे, एक्टिव केसेस का मतलब होता है जो डेथ्स हैं उनको छोड़ के एंड रिकवर्ड केसेस को छोड़ के, ऑलमोस्ट 5,89,000 से ज़्यादा है। आप चाहे तो देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स बहुत एक्सपोनेंशियली राइज किए पूरी दुनिया में। आज आप टॉप 10 कंट्रीज़ को देखेंगे तो चार्ट, टॉप 10 नहीं और ज़्यादा कंट्रीज़ को देखेंगे तो चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। एक समय था जब यहाँ पर टॉप में सिर्फ चाइना था, चाइना तो अब चाइना के डेटा के ऊपर तो भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आज देखिए चाइना से ऊपर US जा चुका है, इटली जा चुका है, स्पेन जा चुका है। चाइना का नंबर पहले भी 81,000 के आसपास ही था। मेरे शुरू शुरू के वीडियोस देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि दुनिया में जितने कोरोना वायरस के केसेस थे उसमें 99% केसेस चाइना के थे। आज तो भाई सिर्फ 80,000 चाइना के आना है, तो पता नहीं, देखना पड़ेगा इस केस ये नंबर कितना सही है कितना गलत है। लेट अस सपोज ये नंबर सही है तो यहाँ पे फर्स्ट में US आ चुका है, सेकंड में इटली, थर्ड में स्पेन आ चुका है। गॉड फॉरबिड आने वाले टाइम में अगर आप जर्मनी और ईरान को भी चाइना से ऊपर देखेंगे तो ताज्जुब मत कीजिएगा, ये भी हो सकता है। एक और जो देखने लायक चीज़ है वो साउथ कोरिया ने गजब का डिसिप्लिन दिखाया। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकॉन्ग, इसके अलावा सिंगापुर, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, हमारे यहाँ भले नंबर ऑफ टेस्ट अभी कम हुए लेकिन हमने लॉकडाउन बहुत पहले इनिशिएट कर दिया है और लोग काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। खैर, अभी का एजेंडा ये नहीं, अभी का एजेंडा ये अजीब सा पजल है। क्या चीज़ है जो वुहान के डॉक्टर्स के लिए इतना पजलिंग है? मैंने आपको बोला कि सबसे शुरुआत में जो सबको पता है कि केस तो चाइना से ही शुरू हुआ था। अब चाइनीज़ वायरस भले डेरोगेटरी साउंड कर रहा है, या जैसे ट्रंप साहब बोलते हैं चाइनीज़ वायरस या वुहान वायरस, ठीक है नहीं बोलना चाहिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत चाइना से, चाइना के भी हुबाई प्रोविंस से भी वुहान से हुई थी, राइट, यहाँ से शुरुआत हुई थी। देखिए, अगर आपको याद होगा टोंगजी हॉस्पिटल, शुरुआत में जो शुरू में एकदम केसेस आए थे वो यहीं से निकल के आए थे। सबसे पहला केस टोंगजी हॉस्पिटल का था। देखिए, अभी ये देखा गया, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा था कि अप टू 10% ऑफ द रिकवर्ड कोरोना वायरस पेशेंट, का मतलब है जो पॉजिटिव सिम्टम दिखाए थे फिर बाद में मेडिकेयर के चलते वो नेगेटिव हो गए थे, इन वुहान स्टडी टेस्ट पॉजिटिव लेटर,
अनफॉर्चुनेटली इनमें से कई लोग दोबारा पॉजिटिव पाए गए हैं। यार ये तो बहुत डेंजरस साइन हो गया, निसंदेह ये वुहान के डॉक्टर्स के लिए बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली चीज़, बिम्यूज कर देने वाली चीज़ है। इसके पहले कि आप कोई चीज़ डिड्यूस करें, आपको एक बात बताता हूँ, वायरस से री इन्फेक्शन एक कॉमन चीज़ है, ये होती है। यहाँ पे स्टैगरिंग री इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे स्टैगरिंग जो चीज़ है जिस नंबर में री इन्फेक्शन हुआ है। अभी ये देखा गया था कि 10% तक जो री इन्फेक्शन हुआ है ये स्टैगरिंग है। पहले मैं एक बात आपको और क्लियर करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वुहान हो गया, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखे होंगे उसमें ये लिखा हो कि 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक वुहान में एक भी केस नहीं आया। पहले मैं आपको उसका नंबर इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए वैसे भी वुहान में तो एंटर करना तो बैंड है, वहाँ तो कर नहीं सकते, और करना अलाउड भी होता तो भी लोग नहीं किए होते। वुहान में वैसे ही लोगों की मतलब जान है यार, हथेली पे आ जाएगी भाई, वहाँ तो इतने भयंकर केसेस हैं तो लोग तो वैसे डर से एंटर नहीं करेंगे, राइट। चलिए तो अभी ये हुआ है कि लोगों का एंटर तो वहाँ पर निषेध है, तो वहाँ पर कर नहीं सकते। ये जब बोला जाता है कि 18 से 22 वुहान में कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वुहान में कोई डोमेस्टिक ट्रांसमिशन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से तो कोई एंटर कर ही नहीं रहा है, और डोमेस्टिक ट्रांसमिशन का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं हुआ, ये मतलब है। तो 18 से 22 वुहान में कोई डोमेस्टिक ट्रांसमिशन नहीं हुआ, लेकिन आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31st है, ठीक है, 29th ऑफ मार्च को जब 147 वो लोग जो पहले पॉजिटिव थे फिर बाद में मेडिकेयर के बाद नेगेटिव हुए, जब इनको टेस्ट किया गया तो 3% ऑलमोस्ट 5 लोगों के आसपास दोबारा पॉजिटिव पाए गए, और कुछ जगहों पे तो ये भी देखा गया कि नंबर 10-10% तक था। ये बहुत ही स्टैगरिंग है, क्योंकि मैंने आपको फिर से बोला स्टैगरिंग ये नहीं है कि वायरस का दोबारा अटैक कर देना, री इन्फेक्शन हो जाना, स्टैगरिंग ये परसेंटेज ये नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके पहले तक के आपने देखा हो तो चाइना ने बहुत प्रोजेक्ट किया कि भाई हम लोगों ने बहुत एफर्ट दिया, और चाइना में आप देखो क्या जबरदस्त तरीके थे, शी जिनपिंग के नेतृत्व में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास ही केसेस को रोक दिया। चाइना ने बहुत एफर्ट दिया कि भाई ये तो हमारी गलती ही नहीं थी, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स थे, एक प्रोपेगेंडा बुक भी छाप दिया। अभी आपने देखा हो तो चाइना की वो बुक भी आ गई है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, इनफैक्ट WHO ने तो ये तक के बोल दिया, मिस्टर टेड्रोस ने तो ये भी बोल दिया था कि शी जिनपिंग का नेतृत्व तो एग्जाम्पलरी है, क्या जबरदस्त उन्होंने नेतृत्व किया। ये चीज़ नहीं बोला कि हम लोगों ने पेंडेमिक घोषित करने में बहुत लेट कर दिया। चलिए कुछ ना कुछ तो फिशी है वैसे चाइना और WHO के बीच में, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वो तो सभी को लगना शुरू हो गया, देयर इज समथिंग फिशी बिटवीन चाइना एंड WHO, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी अपना फोकस वापस वुहान पे रखते हैं। तो वुहान जो कि सबसे हार्ड हिट था, हार्ड हिट कैसे सर, पूरे चाइना में जितने भी केसेस थे ना उसका 50% से भी ज़्यादा केस अकेले वुहान, ये तो पूरा हुबाई है, हुबाई का ये बिंदी जहाँ पे दिख रहा है ना वुहान, अकेले वुहान शहर का था। अब देखिए अगर आप ये बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर पॉजिटिव से नेगेटिव और दोबारा पॉजिटिव हो भी गए तो ऐसा क्या हो गया। देखिए ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स आपको जो दिख रहे हैं लोगों में, ये एसिम्प्टोमैटिक हैं। एसिम्प्टोमैटिक का मतलब जो सिम्टम ना दिखाएं शुरुआत में, 1 से 14 दिन तक के जो सिम्टम्स ही ना दिखाएं। देखिए ये मत भूलिए कि चाइना धीरे धीरे वुहान को जो लॉकडाउन करके रखा था 11 मिलियन लोगों को, वो धीरे 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 हल्का करना शुरू कर दिया चाइना ने। अब लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू गए। अब ये सोचिए अगर एसिम्प्टोमैटिक है, 1 से 14 दिन तक के अगर सिम्टम ही नहीं दिखेगा, और वो इंसान जिसको पता ही नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है, अगर वो 50 लोगों के कांटेक्ट में आया और उसने मान लीजिए 30 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया और वो लोग फिर और फर्दर प्रोपागेट कर दिए, तो वुहान में तो बाहर से कोई वैसे भी नहीं आ रहा है और अंदर से ये फिर एक नई तरह की टाइड शुरू हो जाएगी वुहान में और चाइना में इन्फेक्शन की। इसका कहने का मतलब है कि वुहान में अभी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी चाइना में चीज़ें और वुहान में केसेस को ख़त्म करना अभी बचा है। डॉक्टर स्टीफन ग्लकमैन जो है वो पेन मेडिसिन के हैं, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि जो वायरस है कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस पृथ्वी पे सदियों से प्रेजेंट रहे हैं, तो इसके बारे में हम सभी लोगों को थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज तो ज़रूर है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कोरोना वायरस सिर्फ ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करता है, ये ह्यूमन बींग के लेके के अलावा अदर स्पीशीज़ को भी इन्फेक्ट करता आया है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यूजुअली ये होता है कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो एक बार इन्फेक्ट करने के बाद हमारा जो शरीर है एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है इसके खिलाफ, राइट। तो अगली बार बेसिकली ये जब इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है हमारा शरीर, तो जब अगली बार ये वायरस हमला करता है तो उस हमले में असफल हो जाता है, ये चीज़ बोला डॉक्टर स्टीफन ग्लकमैन ने। देखिएगा मैंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स और बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पर रखा हुआ है। देखिएगा एक और डॉक्टर साहिबा जो है
डॉक्टर नैन्सी मेसोनियर जो है, ये पिक्चर कर्ट से पहले बता दो, गल्फ न्यूज़ है। तो डॉक्टर नैन्सी मेसोनियर जो है, जो सीडीसी के डायरेक्टर साहिबा हैं, इन्होंने भी कुछ इस तरह की बात कहा। इन्होंने भी एक बात कहा कि जो बॉडी है, जो भी बॉडी, अगर इंसान की बॉडी आप देख रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करती है, वो एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। और वो एंटीबॉडी क्या करता है, हेल्प करता है शरीर को अगली बार के सेम वायरस के अटैक में। तो जब नेक्स्ट टाइम सेम वायरस अटैक करता है तो वह असफल हो जाता है। यही चीज़ उन्होंने भी कहा, नैन्सी जी ने भी। इसी तरह से मैट फ्रीमैन ने ये कहा कि अभी हम लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि एक बार जब लोग अफेक्ट हो जाते हैं, एक बार जब इनफ नंबर ऑफ लोग अफेक्ट हो जाएंगे और जब इनफ नंबर ऑफ लोग इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे इसके खिलाफ, तो अगले एक आध दो साल के लिए तो फुर्सत है, अगले एक आध दो साल तक कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वायरस से हमको कुछ नहीं होगा, अनलेस अनटिल ये वायरस खुद म्यूटेट कर जाए। और जब वायरस म्यूटेट कर जाए तो हमारा हो सकता है इम्यूनिटी जो है, हमारी एंटीबॉडीज को पहचान ना पाए और तभी दोबारा इन्फेक्शन कर दे, वो एक अलग केस है, राइट। वो एक केस एकदम अलग। अल्टीमेटली जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, सार्स कोविड टू, यही तो है ना जो वायरस जो है, अभी जो सार्स CoV-2, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो है तो ये कोरोना वायरस की फैमिली का, सार्स फैमिली का। तो जो मैं री इन्फेक्शन के बारे में आपको बात कर रहा था, तो एक आप साधारण सा कोरोना वायरस भी उठाएंगे जिसे सर्दी जुकाम हो रहा है, हम तो अपने चारों तरफ कोरोना वायरस से घिरे हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप में अनोखा वायरस है। तो देखिए, कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन भी उठाएंगे, जैसे कि कॉमन कोल्ड ले लीजिए, तो 10-30% का जो कॉमन कोल्ड आप देखेंगे तो वो तो री इन्फेक्शन के चलते ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोरोना वायरस से अनजान है, ऐसा नहीं है कि री इन्फेक्शन पहली बार हुआ है। हम लोग बचपन से इस कोरोना वायरस के चारों तरफ एक्सपोज रहे हैं और हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी ना कभी हम सभी को सर्दी खांसी जुकाम ये सब लगा ही रहता है। जो एन फैलसी जो हैं, इन्होंने जो कहा, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा है। ये साहिबा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टर मेडिकल सेंटर की हैं। इन्होंने कहा कि आप किसी भी इंसान को उठा के उसका ब्लड सैंपल चेक कीजिए, किसी भी इंसान को जब उठा के उसका ब्लड सैंपल चेक करेंगे तो आपको मोस्टली उनके खून में एंटीबॉडी दिखेगी। होता यह है जब कभी भी वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर जो तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ग्रेजुअली ये एंटीबॉडीज जो होते हैं धीरे 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 डिक्लाइन करने लगती है। और जब एंटीबॉडीज डिक्लाइन करने लगती है, सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगती है, तो फिर हम लोग वापस ससेप्टेबल हो जाते हैं इस वायरस अटैक के लिए, फिर ये वायरस दाड़ से सीधा अटैक करता है हमारे ऊपर, राइट। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि जिनको आप अपने हाथों में देखिए ना, आपको टीका लगा होगा बचपन में, राइट। टीके को वैसे मैं ऐसे वर्ड बताया तो इनोक्यूलेट बोलते हैं, मेरी स्पेलिंग खराब, मेरी राइटिंग खराब है लेकिन स्पेलिंग बताता हूँ, INOCULAT, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनोक्यूलेट। तो ये भी रिसर्चर्स ने कहा कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोई इंसान अगर इनोक्यूलेटेड है, मतलब उसका टीकाकरण हो रखा है, तो कभी वायरस उसको अटैक नहीं कर सकता या वायरस से वो बीमार नहीं पड़ सकता। हाँ, ऐसा भी होता है, तो वायरस से बीमार ऐसा भी होता है, राइट। तो होता यह है कि जबकि टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि उसके शरीर में जब टीका लगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताया, तो मैट फ्रीमैन साहब ने एक और बात कहा था, वो भी आई शुड से, मैट फ्रीमैन ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि एक बार तो बॉडी जो एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, लेकिन अगर दूसरी बार जब वायरस म्यूटेट होके ही आए तब फिर एक अलग बात है, हो सकता है कि शरीर के जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो है उसको रिकग्नाइज ना कर पाए। क्योंकि अगर एक्स, समझाने के लिए सिर्फ, अगर एक्स वायरस के खिलाफ बॉडी ने इम्यूनिटी तैयार किया था, मान लेते इसने बेस चेंज करके आ गया और ये एक्स बार बन के आ गया, तो एक्स बार को तो बॉडी पहचानती नहीं है, ये इम्यूनिटी सिस्टम पहचानता नहीं है और ये इंसान वापस इन्फेक्ट अफेक्ट हो गया उससे, राइट। तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। डॉक्टर पीटर जंग ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोला, ये मेरे ख्याल है असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ ये डॉक्टर साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टेक्सास के, इन्होंने कहा कि देखिए अभी बहुत ज़्यादा चीज़ पे तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, हो सकता है भले शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, इस COVID-19 के लिए इम्यून रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल। उन्होंने ये कहा कि लोग जैसे कि नॉर्मल फ्लू जैसे उसका वायरस जो म्यूटेट कर जाता, हो सकता है COVID-19 म्यूटेट कर जाए, जैसे ही म्यूटेशन हो गया बॉडी जो है उसकी ससेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ससेप्टेबिलिटी मतलब उस वायरस के अटैक करने की क्षमता बढ़ जाती है, या फिर बोल दीजिए शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है, दोनों में से एक ही बात है, राइट। तो वापस आए थे वुहान वाले केस हमको ये समझ में आता है कि अगर ऐसा हुआ है कि जो पॉजिटिव थे लोग फिर बाद में नेगेटिव हुआ और दोबारा उनमें से कुछ लोग अगर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, 10% तक ये नंबर है, तो पहली बात तो ये कि नंबर बहुत ज़्यादा है।
अब इसके तीन टेकअवेज निकलते हैं। पहला टेकअवे ये है कि जो शरीर को इम्यूनिटी डेवलप कर लेना चाहिए था, शायद उसने इम्यूनिटी डेवलप नहीं किया। दूसरा टेकअवे ये है, ये तो पहला टेकअवे। दूसरा टेकअवे ये है कि जो COVID-19 है, यहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट कर गया है बहुत जल्दी। ये भी बिल्कुल एक टेकअवे हो सकता है कि वो इतने जल्दी म्यूटेट कर गया कि उसने शरीर को ठगने में, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को या एंटीबॉडी को इस चीज़ फूल करने में आप सक्सेसफुल रहा और वापस उसने अटैक कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि चाइना का जो टेस्टिंग सिस्टम है वो फ्लॉड निकल गया। तीन चीज़ें मैंने आपको क्या क्या बताया। पहली चीज़, लोगों में या तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इसका म्यूटेशन बहुत फास्ट हो गया, इसलिए बॉडी ने रिकग्नाइज ही नहीं कर पाया। और तीसरी चीज़ जो चाइना का टेस्टिंग सिस्टम है वो फ्रॉड निकल के आ गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये शी जिनपिंग साहब हैं यहाँ पे, तो शी जिनपिंग साहब और चाइना अभी तक तो यही बोल रहे थे। पहले मैं आपको ना चाइना का 2019 का जो प्रिवेंशन गाइडलाइंस है, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए चाइना में जो अभी नए गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं कोई इंसान पॉजिटिव है, ठीक है, वो उसको टेक केयर किया और वो नेगेटिव हुआ और बाद में अगर वो दोबारा पॉजिटिव हो गया, इस इंसान को ये लोग अब प्लस वन नहीं करेंगे, फिर से एक्स्ट्रा नहीं गिनेंगे इसको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, मतलब जो इंसान दोबारा पॉजिटिव होगा उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है, जो इंसान एसिम्टोमेटिक है उसको भी काउंट नहीं किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो चाइना डज नॉट इंक्लूड एसिम्टोमेटिक केसेस, ध्यान रखिएगा। एक आपको ध्यान होगा तो जो एक डॉक्टर साहब थे जो बहुत फेमस हुए थे चाइना में, जिनको विसल ब्लोअर कहा गया था, ये रहे डॉक्टर ली वेंगलियांग। डॉक्टर वी वेंगलियांग जो अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे सिर्फ 34 इयर्स के थे, बाद में उनके ऊपर बहुत सारे दोष मढ़ दिए गए चाइना में। खैर ठीक है, जो भी, इन्होंने पहले विसल ब्लोअर यही थे, इन्होंने ही पूरी दुनिया को पहले आगाह करने की कोशिश किया था कि एक बहुत बड़ा वायरस आ रहा है, ये पहले की बात है। इनका कई बार टेस्ट किया गया और ये नेगेटिव पाए गए। अनफॉर्चुनेटली इन साहब की डेथ जो है कोरोना वायरस, जब ये पॉजिटिव तो डिटेक्ट किए ही गए और बाद में फेब्रवरी में इनका देहांत हो गया। बाद में जब इनको, मतलब जब डायग्नोस किया गया था, डेथ के पहले डायग्नोस कर लिया गया था, तब ये पॉजिटिव थे। मेरे कहने का मतलब है ये बहुत आराम से हो सकता है कि कई बार टेस्ट किया गया है और नेगेटिव है, लेकिन वो इंसान पॉजिटिव आ जाए बाद में। ये बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है। फेब्रवरी में अभी वेंग शेन साहब ने एक बात कहा, मैं आपको ये बता देता हूँ। वेंग शेन साहब ने कहा कि जो चाइना में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया नेट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो चीज़ फॉलो की जाती है ये चेक करने के लिए कि वेदर के इंसान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 30-50% चांसेस ये होते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। आप बोलेंगे सर 30-50% तो ज़्यादा नहीं है। हाँ ज़्यादा नहीं है, इसका उल्टा भी ट्रू है कि कई बार ये भी होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो टेस्ट है ये एम्पलीफाई करता है टाइनी बिट ऑफ डीएनए को, तो होता ये है कि कई बार जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव आया था। मैं आपको ये भी क्लियरली बता देता हूँ। मैंने आपको बोला कि अभी वुहान में धीरे धीरे ये होने वाला था कि चाइना की सरकार ने सोचा था कि वुहान में हम धीरे 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 ये करेंगे, 11 मिलियन को हम लोगों ने लॉकडाउन करके रखा हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस लॉकडाउन को हल्का करना शुरू कर देंगे, और ये शुरू भी कर ही दिया इनफैक्ट चाइना ने। और आप देखेंगे तो अभी चाइना की स्थिति कम से कम धीरे धीरे लोग मूव करते हुए आपको दिखेंगे। हाँ बस एक चीज़ चाहिए आपको, आपको ऑफिशियल अथॉरिटी के पास जाना है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास जाना है और एक सर्टिफिकेट लेके आना है कि आप कोरोना के लिए नेगेटिव हैं। जैसे ये चीज़ सिद्ध हो जाती है बिल्कुल यू आर फ्री टू मूव। और ये चाइना ने सोचा था कि 8th of April तक के पूरी तरह से वुहान को हम लोग क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। लेकिन अभी जो री इन्फेक्शन का केस आ रहा है, अब ये देखना होगा कि इसके आगे अब चाइना क्या करता है। तो यहाँ से अब नोटिस कीजिएगा कि 8th April तक चाइना क्या करता है, राइट। एक और चीज़ को समझ लीजिए, जो मैंने आपको थ्योरी बताया है, कौन सी थ्योरी, कि बॉडी जो है टाइम पे फिर इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी थ्योरी। अब इस इम्यूनिटी थ्योरी को यूज़ कौन कर रहा है आज के टाइम पे, FDA, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने अभी अनाउंसमेंट किया, मेरे ख्याल पिछले हफ्ते की बात है, 24 तारीख को। ये रहे वहाँ के गवर्नर साहब, मिस्टर एंड्रू एम क्यूमो ने एक बात कहा कि न्यूयॉर्क जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो ये कर रहा है कि जो लोग पॉजिटिव थे बाद में जो नेगेटिव पाए गए, उनके सीरम को यूज़ करके इसको उन लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा इल हैं उनके किसी काम में आ सके। बन सके ने ग्रेट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, तो ये लोग भी उसी इम्यूनिटी थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब जो मैं आपको इम्यूनिटी थ्योरी के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए कि काम कैसे करता है हमारे शरीर का ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। काम करता है तो कैसे काम करता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए हमारे शरीर का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहले यहाँ से समझाता हूँ,
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम का एक बहुत विशेष काम होता है, और वो क्या होता है पहले बताता हूँ। इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो होता है उसका काम ये होता है कि इसको सचेत रहना है, मतलब विजिलेंट रहना है, और कहीं पर भी ये देख रहा है कि कोई वायरस अटैक कर रहा है, कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, तो तुरंत शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को जाके बताना है कि देखो ये वायरस अटैक कर रहा है। याद रखे ठीक है, मान लेते हैं इन्फेक्शन हो ही गया। अब अगर इन्फेक्शन हो ही गया तो फिर ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम का अपग्रेडेड वर्जन आता है, इसका बड़ा भाई आता है, उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है एक्सक्विजिटली डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक वायरस को जाके अटैक करे। तो मेरा ख्याल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा डिफेंस काम करता है। कई बार ये होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ वेरी करती है। आप जैसे होता है ना कि यार आप खुद ही देखो ना, आपके चारों तरफ जैसे बहुत जहीं बारिश वारिश हो गई तो हम में से कुछ लोग जो होते हैं सर्दी हो जाती है उनको, कई लोगों को सर्दी नहीं होती, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये इम्यूनिटी जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पोलियो और मिजल्स जो है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सार्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जांपल देना चाहूँ, जो 2003-04 में इसी तरह से फैला था, तो जो लोग सार्स के लिए जो लोग पॉजिटिव हो गए थे, ऐसा कहा जाता है कि देवर इम्यून फॉर नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी अगली ज़िंदगी भर के लिए लोग इम्यून रहेंगे, लेकिन अगले 8 से 10 साल के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है इस दौरान कि जो वायरस है वो म्यूटेट होके आके दोबारा अटैक कर दे। तो मेरे ख्याल म्यूटेशन के लिए मैंने आपको इनफ चीज़ बता दिया। दूसरी चीज़, एक और जो एक ओपन लैब जो है, जो ओपन डेटाबेस जो शेयर करता है, जिसका नाम है नेक्स्ट टेन के ट्रेवर बेडफोर्ड साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोला कि जो वायरस है इसके 2000 से ज़्यादा जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर 15 दिन में ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। हर 15 दिन में म्यूटेशन होना तो मेरे ख्याल है काफ़ी बड़ी बात है। तो हालांकि ये म्यूटेशन के बारे में ये बोला गया कि ये म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा मेलाइन नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डराने वाले नहीं है, ये बहुत ही बिनाइन काइंड ऑफ म्यूटेशंस है, उतना चलता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट चार्ल्स च्यू, इन्होंने एक बात कहा कि अगर आप देखेंगे तो इससे हम लोग रियलिस्टिकली, देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ इन्होंने जो कहा। इन्होंने कहा है कि जो इसका जो वायरस का जो आउटब्रेक है ये ट्रैक्टेबल है। इसी चीज़ को उन्होंने कहा, वी हैव द एबिलिटी टू डू जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऑलमोस्ट इन रियल टाइम टू सी वॉट स्ट्रेन्स और लाइनेजेस आर सर्कुलेटिंग। हालांकि ये लाइनेज के, यही मैं आपको बताया कि 2000 से ज़्यादा अलग अलग जीनोमिक सीक्वेंसेज अवेलेबल है, मतलब बहुत सारे म्यूटेंट्स इसके, म्यूटेशंस इसके अवेलेबल है। तो बढ़िया बात है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा नहीं, जो आप इसमें वॉशिंगटन में आप देखेंगे तो जो आपको इस वायरस का सीक्वेंस मिलेगा, जो आपको इस वायरस का म्यूटेंट वर्जन मिलेगा, 2-3 बार ही म्यूटेंट म्यूटेशन होकर वहाँ पहुँचा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको सॉर्ट किया जा सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग ये आरएनए बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं ना, इसको हमको और अच्छा करना पड़ेगा। इसको और अच्छा करना पड़ेगा मतलब कैसे, आप आने वाले टाइम पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हम लोग ब्लड टेस्ट भी करेंगे ताकि हम लोग ये समझें कि एंटीबॉडीज़ का स्टेटस क्या है। इससे क्या होगा सर, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ के सिक्रीशन से ये समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी जो भी इंसान एक्स पर्सन, चाहे वो इंसान कोरोना के लिए पॉजिटिव रहा हो चाहे नेगेटिव रहा हो, रैंडम टेस्टिंग, तो इस डिटेक्शन से समझ में आया कि एंटीबॉडीज़ का नंबर क्या है उस इंसान की बॉडीज़ में। देखिए चाइना तो अपना डेटा शेयर करने से रहा, चाइना तो अपना डेटा शेयर करेगा नहीं, तो अभी इतना बड़ा जो सैम्पल स्पेस है, इतना बड़ा डेटा जो है वो एक ही कंट्री से मिल सकता है, वो है इंडिया से। तो और हम भी चाहेंगे कि हमको इस महामारी का, इतनी बड़ी पेंडेमिक का एक्चुअल आउटब्रेक का एक्सटेंट समझ में आना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उस वो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंडर हो रहा है। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ये कहा कि अभी हमारे देश में 1,000,000 नए किट्स आने वाले हैं, और ये जैसे ही नए किट्स आने वाले हम लोग तुरंत टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। और हालांकि ये तो भी पता नहीं है कि कहाँ से आने वाले हैं किट्स जो हैं, लेकिन इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने हाँ बोल दिया है। तो अभी आप देखेंगे इसको ठीक उसी तरह से हम लोग अटैक करेंगे इंडिया में, जैसा हम लोगों को, अगर आपको याद होगा तो 2017 में जिस तरह से हम लोगों ने डेंगू के केसेस को अटैक किया था, तो ये ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, अगर आपको ध्यान होगा तो 2017 में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, डेंगू से लड़ने के लिए 240 क्लस्टर्स बनाए थे, याद है आप लोगों को। इस 240 क्लस्टर्स को हम लोगों ने अर्बन और रूरल दोनों में डिवाइड किया था। तो इसमें रूरल में 118 क्लस्टर्स थे और बाकी क्लस्टर्स को छोड़ दिया था अर्बन में, और इसको फिर हम लोगों ने 60 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किया था,
और इसके अलावा 15 अलग अलग स्टेट्स तक के। जो रूरल क्लस्टर था, एक रूरल क्लस्टर का मतलब था दो गांव, दो विलेजेस, और एक अर्बन क्लस्टर का मतलब था दो म्यूनिसिपल वार्ड्स। और इस तरह से एक बहुत बड़ा डेटाबेस निकाला था, और इससे हमको फिर एक एंड्रॉयड प्रोग्राम चलाया था एक्चुअली। तो ऐसे कि 240 क्लस्टर्स हम लोगों ने क्रिएट करके जो इतना बड़ा एंड्रॉयड प्रोग्राम चलाया था, इससे फिर बाद में हम लोगों को ये समझ में आया था कि 49% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डेंगू फीवर से कभी ना कभी इन्फेक्ट ज़रूर हुई है। इसी तरह से क्योंकि अभी चाइना का डेटा, एक तो चाइना डेटा देगा नहीं दुनिया को, और दूसरी चीज़ चाइना के डेटा के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। तो एक ही डेटा जो है जो ऑथेंटिक भी रहेगा, इस पर दुनिया को भी भरोसा है, वो है इंडिया का डेटा। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगले ये जो किट्स आने वाले हैं मेरे ख्याल से दो हफ्ते के अंदर अंदर, एट मैक्स 3 हफ्ते, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे। तो आप देखिएगा अगले 14 से 15 दिन में ये जो टेस्टिंग होगी, आप उसमें टेस्टिंग में डिफरेंस देखिएगा, उसमें जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स देखिएगा, इससे हमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि इंडिया में आउटब्रेक क्या है। और दूसरी बात, इस नंबर से पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को एंड डॉक्टर्स को भी समझ में आएगा इस वायरस के बारे में, और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस लेक्चर से कुछ समझ में आया होगा। भूलिएगा मत, एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई का नाम है गो कोरोना, इंडिया फाइट्स कोरोना। तो गिव अप मत कीजिएगा, ग्रेजुअली एंड स्लोली इसको हम लोग हरा देंगे। आज दुनिया में ऑल दो ये केस हैं, इसको तो हम लोग अंडू नहीं कर सकते जो केसेस हैं, लेकिन अगर आप लॉकडाउन को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इतना तो तय रहा कि ये केसेस बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा टेस्ट्स करेंगे इंडिया में केसेस बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियली राइज कर जाएंगे। और इस टेस्ट से ना सिर्फ इंडिया के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स को मदद मिलने वाली है, बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि एक बहुत बड़ा सैंपल स्पेस मिलेगा, जिससे ये समझ में आया कि आगे की लड़ाई लड़नी कैसे है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, डस कोरोना स्ट्राइक ट्वाइस। तो देखते हैं क्या होता है चाइना का डिसीजन 8 अप्रैल तक के क्या होता है, और अगले 14 से 15 दिन में जब हमारे यहाँ पे किट्स आ जाते हैं, हमारे यहाँ पे टेस्टिंग जब होती है, तो हमारे यहाँ पे नंबर किस तरह से राइज करता है। हम तो चाहेंगे कि नंबर इस तरह से गिर जाए, और इस डेटाबेस से जो दुनिया को मदद मिलने वाली, इंडिया के डॉक्टर्स रिसर्चर्स को मदद मिलने वाली, तो ये 15-20 दिन के अंदर ही देखिए आपको कुछ बहुत सब्सटैंशियल डिसीजंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, स्टे होम, स्टे सेफ।